Hey guys, I'm Prakshit and welcome to my YouTube channel हवाई देखो। बस में बैठ के वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आज जा रहे हैं हम अलाहाबाद की तरफ। अभी बैठा हूँ मैं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि देखो जींद से अलाहाबाद की कोई भी ट्रेन होती नहीं है, इसलिए मैं जींद से बस में दिल्ली जा रहा हूँ पहले, और उधर से फिर नए रेलवे स्टेशन से मेरी अलाहाबाद के लिए टिकट है। और ट्रेन का नाम है अलाहाबाद हम सफ़र स्पेशल, और थर्ड एसी की हमें टिकट मिल गई थी। और पता है ये टिकट इतनी मुश्किल से मिली है क्योंकि हमने ना एक दिन पहले ही बुक करवाई है, तो थर्ड एसी भी बड़ी मुश्किल से मिली है, सारी ट्रेन बुक थी। तो देखो कोई टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे बिल्कुल मस्त। और जींद से दिल्ली का रास्ता है सिर्फ 4 घंटे का, पंजाब रोडवेज है, पूरी फैलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे बता देता हूँ मैं हरियाणा रोडवेज डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा रही, पहले बहादुरगढ़ जाती है, अभी नहीं जा रही क्योंकि कोरोना करके बंद कर रखे डायरेक्ट बस, तो बस ठीक है अब। और वैसे बता दूँ मैं, हम मेरी 10:20 की ट्रेन है और वो पहुँचा देगी हमें सवेरे 6 बजे के आसपास, कोई टेंशन नहीं है, सही आराम से बैठ। तो यार देखो मैंने अपने टाइम पास का जरिया ढूंढ ही लिया है, लैपटॉप ऑन कर लिया है, थोड़ी देर बस या तो मूवी देखता हूँ या गेम खेलता हूँ, सही है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो यार बस ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा अभी तो। बहुत तो शुक्र है मैंने प्ले स्टेशन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था अपने लैपटॉप में, बस अब गेम खेलता हूँ थोड़ी देर और ऐसे ही टाइम पास करूँगा अभी तो। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long. Could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. तो यार देखो मैं ISBT सही सलामत बिल्कुल आराम से पहुंच गया था, और उसने बिल्कुल सही 4 घंटे में पहुंचा दिए दिल्ली। और बस से उतर के फिर मैं ना भाई के हॉस्टल आ गया था, क्योंकि मेरी है 10:20 की ट्रेन और अभी बस 8:15 ही हुए हैं, 8:15 हो रखे हैं, तो मैं अभी भाई के हॉस्टल की तरफ आ गया था। वैसे भाई भी आए हुए बता दिया जाए। तो बस अभी रूम पे बैठा हूँ, भाई का वेट करूँगा, और इतने भाई आएगा वो 10 बजे के आसपास आएगा, क्योंकि इधर से ज़्यादा दूर नहीं है वो रेलवे स्टेशन, तो हम जल्दी चले जाएंगे, मतलब 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और इतने भाई आएगा इतने में मैं मैस में खाना खा जाता हूँ, इसी की फायदा उठा लेते हैं थोड़ा। ओहो भाई साहब ना शादी से लेट आया भाई, इतनी ज़्यादा तेज रेस मार के आया ना ट्रेन पकड़ने पहली बार। ओहो बस देखो चल पड़ी, मैं दिखाता हूँ, और अभी मैं घुसा हूँ सिर्फ अंदर। 3 मिनट में लगा दिए हॉस्टल से रेलवे स्टेशन 3 मिनट में। ओहो आज मैं जिम नहीं गया था। आमिर खान को शाउट आउट दे दे, शाउट आउट टू आमिर खान जिसने हमें हॉस्टल से यहाँ तक 3 मिनट में पहुँचा दिया। ओहो भाई बड़ी मुश्किल होगी थी सच में, इतनी तेज रेस मरवा के लाया ना मेरी। सही में पसीने आ गए। ओह मतलब हॉस्टल से ना कम से कम 8-9 मिनट का रास्ता था, या 5 मिनट का भी होगा, 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का, मैंने वीडियो में गलत बोल दिया इसका, 15 मिनट का रास्ता था, 3 मिनट कोई रेड लाइट नहीं रोकी। ऐसे तूफान मचाते लाए। ओह पर भाई आखिरी में पकड़ ली है एट लास्ट, जो हमारा पहले प्लेटफॉर्म था ना वो था 1, वो पहले हम 1 पे भागे, 1 था एंड में, और उसके बाद अब ये चेंज होके हुआ 9th था, बिल्कुल कम से कम 800 मीटर दूर। फिर रेस मारी, फिर रेस मारी। याद हमें मिल्खा सिंह थे यहाँ के। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहुंच गया एट लास्ट। जींद से आना सफल हुआ।
हरपाना प्रयागराज पहुंच गए हैं। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। तो हमें एक घंटा पहले ही पहुंचा दिया ट्रेन ने, मैं सही पहुंच गया बिल्कुल। तो बस अब कैब करी थी और अब जा रहे हैं कैब। बैठे ही है और पहुंच भी गए हैं। मैं तो बस कैमरा ऑन किया था इतने में पहुंच गए। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Lay down beside you, I would when nothing really matters. तो यार बस अपना रूम पे पहुंच गए थे और बस आके मैं तो नहा के आया हूँ, नहा के अब कपड़े चेंज करे हैं और अभी तो भाई कुछ प्रोग्राम नहीं है मेरा, तो मैं तो मस्त बेड पे लेट के सोऊंगा। और हाँ भाई तैयार होके चला गया है और मैं भाई को दिखा नहीं सकता, जब भी वो यूनिफॉर्म पहनेगा, ये रूल है मिलिट्री का, मैं उसे दिखा नहीं सकता। अब ये भाई आएगा जब उससे पूछूंगा मैं प्रॉपर क्या सीन है, ये क्यों नहीं दिखा सकता। अभी उसने मेरे को सिर्फ इतना बताया था कि अगर वो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में है तो मैं उसको वीडियो में नहीं ले सकता। इन शॉर्ट कहने का ये है, भाई तैयार होके चला गया था हॉस्पिटल और मैं बस अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आई है और आज की वीडियो इधर तक ही रखते हैं। इलाहाबाद पहुँच गए सही सलामत, बिल्कुल बढ़िया। और अभी तक तो प्रयागराज हमें बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि कैंट का एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर एरिया है इधर। तो अभी बाहर गया नहीं हूँ और भाई ऐसे बोल रहा था कि अभी रुक मैं 2 बजे आ जाऊँगा और फिर तेरे को एक बार हिसाब सा बता दे दूँगा कि रास्ते बता दूँगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, कैंट में कैसे मतलब क्या बोल के अंदर आना है, कैंट का रास्ता क्या है, तो वो एक बार आज दिखा देगा। फिर कल से हम घूमना फिरना शुरू करेंगे। और यार मैं यूँ सोच रहा था क्योंकि कैंट तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो यार रूल एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, कैंट मेरे को अलाउड नहीं है वीडियो में दिखाना। तो बस इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, कल से करेंगे हम घूमना फिरना शुरू। आज मैं रेस्ट करता हूँ भाई, बहुत थक गया सीरियसली, रात को नींद नहीं आई बिल्कुल भी ट्रेन में। तो भाई मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप लोगों का। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।